आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची महाराष्ट्र। अगले कुछ दिनों में यात्रा महाराष्ट्र के कई जिलों से होते हुए जाएगी आगे की ओर। वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का फाइनल चाहते हैं दर्शक। टीम इंडिया गुरुवार को इंग्लैंड के साथ भिड़ेगी। 13 नवंबर को होगा फाइनल मैच। पालघर जवाहर सिलवासा रोड पर सुबह 5 बजे 2 ST बस की हुई दुर्घटना। घटने में 20 से 25 यात्री घायल। घायल यात्रियों को अस्पताल में किया गया भर्ती। शरद पवार को 8 दिन के इलाज के बाद मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल से मिली छुट्टी। पवार निमोनिया से थे पीड़ित। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर निशाना। कहा, जनता नकार रही खरीद फरोख्त की राजनीति। पूर्व राज्यसभा सदस्य और कोल्हापुर शाही परिवार के वंशज सभापति छत्रपति ने दी चेतावनी। कहा, फिल्म में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया तो वो विरोध करेंगे और रिलीज रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ऑनलाइन चालान के खिलाफ भड़का मुंबई के रिक्शा चालकों का गुस्सा। कहा, बिना मतलब का आता है चालान, कुछ नहीं करने पर भी लगता है जुर्माना, इसे बंद करो। बाला साहेब के विचारों से लड़े और जीते। बाला साहेब के विचारों के लिए लड़ा और हमें बाला साहेब की शिवसेना का नाम भी मिला। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। कई कलाकार हैं राहुल गांधी के साथ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। सोलापुर शहर के समाचार चौक में दिखा जानवर। रात में घूमते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ दुर्लभ जानवर। 2 महीने बाद हुआ साइरस मिस्ट्री की कार से हादसा का खुलासा। ओवरटेक की वजह से हुई थी कार दुर्घटनाग्रस्त। 4,000 करोड़ में जर्मन कंपनी का ओवरटेक करेगी रिलायंस। खुदरा कंपनी मेट्रो कैश एंड कैरी के कारोबार का किया अधिग्रहण। कई दिनों से डील की हो रही थी चर्चा। धारावी टी जंक्शन खाड़ी में मिली अज्ञात लाश। फायर ब्रिगेड की मदद से लाश को खाड़ी से निकाला गया। शव की नहीं हुई पहचान। उत्तर भारतीयों को शिवसेना में शामिल होने का निमंत्रण। उद्धव ठाकरे बोले, उत्तर भारतीयों के लिए हमारे घर का दरवाजा हमेशा खुला है। मुंबई की एयर इंडिया बिल्डिंग को खरीदने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र को दिया 1,600 करोड़ का ऑफर। भाईखला चिड़ियाघर में रविवार को एक बार फिर देखने को मिला भारी भीड़। 31,000 से ज्यादा पर्यटकों का चिड़ियाघर करता है स्वागत। अगर खारघर हाउसिंग सोसाइटी के भीतर क्लब हाउस की जरूरत है तो पहले रिपोर्ट जमा करें। बॉम्बे हाईकोर्ट से सिडको ने की मांग। मुंबई और ठाणे के बीच बनेगी फिल्म सिटी। मराठी कलाकारों के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बनाई योजना। कल कार्तिक पूर्णिमा पर साल 2022 का लगेगा आखिरी चंद्र ग्रहण। शाम 5:20 से शाम 6:20 तक रहेगा चंद्र ग्रहण। पुणे के अस्पताल में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। बेटी होने पर डॉक्टर नहीं लेते फीस, काटा जाता है केक।